सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं बाल भारती स्कूल में, वहाँ पर एनुअल फंक्शन चल रहा है, इसलिए तो गाइस यहाँ से पीयूष को भी लेके चलते हैं। पीयूष भी जाएगा एनुअल फंक्शन में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बाल भारती स्कूल में। यहाँ पर देखिए सब बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पे सब व्यवस्था हुई है। तो गाइस अभी पांडे सर की एंट्री हो रही है, आप देख सकते हैं। कपड़े चेंज, शादी का सूट पहन लिया, शादी का भी लेंगे, शादी में शेरवानी पहनी थी, मैं था साथ। उनका बोल रहे दफन हो गया आलम। रोशन हो गया आलम, हर दिल में उल्लास है, महफिल रंग जमाएगी, आशा दई जगाए। आप सभी जन को मेरा नमस्कार आदाब। चलो आपके नाम पर करें कर कार्यक्रम का आगाज। माटी का पुतला हूँ आपसे जुदा नहीं हूँ, माटी का पुतला हूँ आपसे जुदा नहीं हूँ। गलती हो तो माफ करना, इंसान हूँ खुदा नहीं। बाल भारती परिवार में उपस्थित हमारे देश समस्त अभिभावकगण, छात्र छात्रा एवं छात्र छात्राओं, आज हम इस विद्यालय में स्थापना के लगभग 25 वर्ष से ज्यादा समय से आप लोगों का जो प्यार मिलता है उसे देखते हुए हमने इस कार्यक्रम को 26 से 27 वर्षों में आयोजन करेंगे और आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों का मजा लेंगे। तो जैसा कि आपको खत्री सर ने बताया कि सरस्वती माँ के चरणों में बंदर अभिनंदन करने के लिए हमारी क्लास 12th मैथ साइंस और कॉमर्स की कुछ छात्र छात्राओं ने एक नृत्य, और इस नृत्य पर उन्होंने अपनी स्वयं के मेहनत के द्वारा कार्यक्रम तैयार किया है, उनके लिए जोरदार तालियां। हमारे विद्यालय के बहुत सारे बच्चे हो, कान्हा को राधा ने प्यार का पैगाम भेजा है और पूरे खत में सिर्फ कान्हा कान्हा नाम लिखा है। राधा, जब तुम पंडित के ऊपर मनिहारी बन के आती हो तो माँ के सामने बहुत सुंदर लगती हो। कैसा ले रहा भी कमर कसूसी
ये तो इंडिया वालों के बालक हैं, अकड़ तो छोटे लोग दिखाते हैं, ये तो इंडिया वालों के बालक हैं, ये सीधा गदर मचाते हैं। जी हाँ, आप लोगों के सामने गदर मचाने आ रहे हैं।
चाहिए, अगर रात को मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए? और कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप खिलाओ, बजाई ओढ़ो। क्यों? क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं रजनीकांत से मच्छर से माफी मांगेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। आप बस इस तरह बैठ के आनंद लीजिए नृत्य का। एक और ताली भी नहीं बजा पा रहे थे, क्या मच्छर को मरवाएंगे? क्या कुछ कर पाएंगे? पहले बोलिए खाना नहीं खा पाएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी भी ताली नहीं बजाएंगे। बच्चे आपके ही हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब Thank you.
कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं देवांश किनौरिया क्लास 11 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं सबको सादर प्रणाम करता हूं। आज इस दिन मैं कुछ पंक्तियां अपनी देश की शान में और देश के शहीदों के लिए। बोल मेरे भाई बोल। कोई सर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, कोई सर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई में ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से पढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता, वतन में इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, नवासर से उम्मीदें नवादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत ही मेरा I'm a
कुछ लोग बोले हाँ गलती की, ये भी वही है जो सूरत में परेशान करती है। और मैंने मालूम क्या जवाब दिया, चाय बना रहे तो बना लो, कौन सा मैं तुम्हारी पतेली में लेटा हूँ, बन जाएगी तो चाय पी लूंगा। सही बात है यार। आप लोगों को एक चीज और पूछता हूँ आपसे, आपको पता है कि 35 और 37 37 अब जोड़ने मत लगना पहले, ये दोनों इकट्ठा क्यों नहीं आते बताइए, 35 और 37 ये दोनों इकट्ठा क्यों नहीं आते, नरेंद्र सर से पूछ लो बता देंगे। मैं बताऊं, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं जिनके भी 36 का आंकड़ा होगा क्या एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, नहीं ना, तो 35 और 37 के बीच में जब 36 का आंकड़ा रहेगा तो कैसे आएंगे साथ में। चलिए हम से जाने जाते हैं और लाखों के बीच में फौजी पहचाने जाते हैं, और इस पर कोरियोग्राफी का कार्य किया है राजन कुशवाहा देवान सर। एक चिंगारी से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा I'm
आएंगे नहाने। पॉप की राजधानी हुलुलुलु में हुआ था, क्या हुआ था? हुलुलुलु में। और इसके बचपन का नाम था, जैसे आप लोग रख रहे थे ना, बड़े बड़े नाम रहते हैं तो उसको शॉर्ट में गानू राधा दुलनू है ना, आजकल तो और भी छोटे छोटे एक शब्द के पू पी माँ ऐसे ना, ऐसे उसके बचपन का नाम था लभेज बीच बीच रेल मिले लीला। आप बताइए याद हुआ नाम नहीं हुआ नाम? इतिहास का खाके याद करेंगे। नन्ही सी हसी भोली सी खुशी फूलों सी हवा है, भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। माहौल में डर है, हर जगह हर कोई बेसबल है, हो रहा है क्या समझ नहीं आ रहा, हर ओर से आ रही दुख भरी खबर। देखिए कोरोना ऐसा क्या कसूर हुआ, अपनों का साथ देने में भी इंसान मजबूर हुआ, जो चूक हुई उसे सुधारेंगे सेवा भाव से, तकलीफों तो बजा दीजिए, जिससे जो हो सकता है कम, ये वक्त है निकल जाएगा। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी, जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकले।
कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। दामाद जी हैं, एक दिन रहेंगे, दो दिन रहेंगे, तीन दिन रहेंगे, चार दिन रहेंगे, चलेगा। और अगर दस 12 दिन रहेंगे तो फिर कैसे रहेंगे? वो दामाद कहाँ हो गए? वो तो घर में आई हो गए। तो 6-7 दिन 8 दिन हो गए, दामाद जी जाने का नाम नहीं ले रहे। तो सासू माँ जो थी वो खाने में बनाने लगी सुबह पालक की सब्जी और रोटी। एक दिन, दो दिन, चार दिन, छः दिन, आठ दिन, दस दिन, महीने भर हो गए पालक की सब्जी खाते खाते उनको। एक दिन सुबह जाने लगे, बोले खाना खाके जाइएगा, खाना खाके। दामाद जी कहते हैं खाना खाके क्या जाइएगा, बता दो खेत का है पालक, मैं थोड़ी चेर के आ जाऊँगा, खाने की क्या जरूरत है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है कि नहीं? हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है और रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, लेकिन हर मुसीबत के पीछे आज के दिन जैसा सवेरा होता है। नहीं मिला ताली, आप मेरे बताओ, मेरे में भी नहीं मिला। अगला नृत्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं
मैं पिता भाई से अनुरोध करूंगा क्या आप अपना स्थान ग्रहण करिएगा। बाल भारती हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि लगातार 1994 से यहां पर बच्चों को शिक्षा देने